तो भाई अभी बैठा हूँ मैं हिसार के अंदर। पूरा इंटरव्यू तो मैं आपने बाद में दिखाऊंगा, सबसे पहले एक छोटी सी बात पूछ लेते हैं हम नागेंद्र शर्मा जी से। भाई साहब राम राम। राम राम जी। आज की मीटिंग आपकी बहुत लंबी चली जी और बड़ी शानदार चली जी, और पूरा हरियाणा इस मीटिंग में था जी। क्या रोहतक वाला मामला, पहरावर वाला मामला, ब्राह्मणों की जमीन वाला मामला, क्या कोई बात चली है यहाँ पर? देखिए, ये संगठन की बैठक थी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई है, परंतु उसमें तो चाहिए थी ना। नहीं, ये संगठन की बैठक थी, इसमें निकाय चुनाव को लेके बात, हाँ निकाय चुनाव को लेके एक विषय था, वो बात हुई है, और बाकी संगठन को लेके उसमें विषय थे। अच्छा जी। पर इसको लेके ऐसा कोई स्पेसिफिक विषय था नहीं। मतलब आप इसको सीरियसली लेते ही नहीं हो क्या? कोई सीरियसली, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल विषय है, और मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया था, अगर आपने पीछे भी देखा हो तो, कि ब्राह्मणों की जमीन है, थी और रहेगी, उसमें सरकार मना नहीं कर रही है इस चीज़ को। तो देरी किस बात की है भाई? जब आपको पता है अगर ये अनाउंसमेंट करोगे तो वोट बैंक जुड़ेगा ही, घटेगा क्यों? बिल्कुल जुड़ेगा। और देखो, मैं भी इसी समाज से आता हूँ, हम चाहते हैं कि हमारा समाज हमारे से जुड़ के रहे, और जो पार्टी की जो हमारी रीति नीति है ना, तो वो किसी जात को लेके है जी, सबका साथ सबका विकास का हमारा नारा है जी, सबका विश्वास जी, और अभी एक चीज़ और है हमारी, कि सबका प्रयास भी। जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है, इस जब रोहतक में वो प्रोग्राम हुआ, परशुराम जयंती हुई, वहाँ पे शायद महम से भी एक अनाउंसमेंट हुई जो जाट कम्युनिटी से की गई, कि हम 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो वो भी एक भाईचारा बढ़ाने वाली बात कर रहे थे, और आपकी पार्टी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। देखिए, मैं उसका स्वागत करता हूँ, और भाईचारा जितना बढ़ाए मैं तो उसमें खुश हूँ, और अगर आपने पहले भी मेरे को देखा हो, मेरा सर्कल भी देखा हो जी, मेरा घर भी जहाँ पे है, तो वहाँ भी मैं जिस बिरादरी से लोग घबराते हैं, मेरा घर भी उसमें 96% वो बिरादरी रहती है, और हमारा भाईचारा ऐसा है, मैं बाहर रहता हूँ, मेरे बड़े भाई बाहर रहते हैं, छोटे वाला कहीं पे बाहर है, तो मेरे यही लोग काम आते हैं हमारा, तो ये भाईचारा हम कैसे खराब करें? मैं तो बहुत खुश हूँ। सरकार नहीं सोचती ना फिर इस बारे में? नहीं, सरकार अगर खट्टर साहब आके सीधा सा कह दे भाई इस पर कोई मामला नहीं है, इतना बड़ा बवाल खड़ा करने की जरूरत नहीं है, तो बड़ा खट्टर साहब ने बोल दिया ना, मैंने बताया आपको, उनका जो स्टेटमेंट था उसमें आपने सुना होगा जी, उस दिन रैली में वहां से भी बोले, बाद में भी उन्होंने कुछ, हमारा एक प्रतिनिधित्व मंडल मिलके भी आया सबेरे उनसे, जब उनका जन्मदिन था, वहां भी उन्होंने बोली थी कि हम जमीन आपको देंगे, पर मैं एक बारी पेपर कार्रवाई वो देख तो लूं है क्या वो चीज़ है, उसमें को मना नहीं करी है, आप उसको वैसे भी उस विषय को देखेंगे ना जी, वो जमीन लीज पे है, वो था क्या कि गांव ने पंचायती जमीन दे दी, वो पंचायत से जमीन चली गई हुड्डा के पास, हुड्डा से एक्वायर, हुड्डा ने एक्वायर की, तो हुड्डा से वो जमीन चली गई नगर निगम में, वो गांव नगर निगम में है, अब नगर निगम में जब वो चली गई तो उसका मालिकाना हक तो नगर निगम के पास है जी, वो गोड़ संस्था को लीज पे है, 33-33 साल की जो लीज होती है, उस लीज के ऊपर वो जमीन है, तो हमारे को तो लीज का पैसा देना था। रही बात जो डेवलपमेंट चार्जेस की 8 करोड़ की, वो हम नहीं पे करेंगे, वो कौन पे करेगा? वो कमेटी पे करेगी, नगर निगम पे करेगा। ओके, तो उसका हमारा कोई इशू नहीं है कि 8 करोड़ भी हमारे को पे करना है, और ज़मीन की लीज हमारी लीगल है, तो उसको कौन ले सकता है हमारे से, कि ये तो कोई विषय ही नहीं है ना। तब इसमें इतनी बड़ी राजनीति क्यों, जहाँ पर रामकुमार गौतम जी को भी बोलना पड़ा, नवीन जयहिंद जी को भी बोलना पड़ा, और तो और अरविंद शर्मा जी को भी लपेटे में सब भाजपा को ही ले लिया, मनीष ग्रोवर को तो पीछे ही पड़ गए। देखिए, ऐसा होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, बवाल हो गया ये। देखिए, कई बार क्या होता है, राजनीतिक मुद्दे भी कुछ लोगों को चाहिए रहते हैं, और दूसरी बात यह है, किसी समाज को जो लगता है, भावना हर समाज की जुड़ी रहती है अपने कहीं ना कहीं समाज के साथ। आज मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, परशुराम जयंती जहाँ मनाई जाती है मैं जाता हूँ, उस दिन 22 तारीख को मैं लुधियाना में था, वहाँ हमारे माननीय श्रम मंत्री जो उत्तर प्रदेश के सुनील भराला जी, उनके साथ मेरा कार्यक्रम था। परंतु मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ कि हमारी भी जो संवेदनाएँ हैं ब्राह्मण समाज के साथ है, पर हम गलत नहीं होने देंगे ब्राह्मण समाज के साथ, पर जब सरकार ही साथ है, और लोग हमें भी कई बार बोलते हैं कि भाई आप वहाँ नहीं थे या ऐसा नहीं वैसा नहीं, सरकार जब मनाई नहीं कर रही है उस चीज़ को, तो उसका विषय मेरे को समझ नहीं आता कि विषय रह कहाँ गया। चलो, वो ज़मीन है, ज़मीन है उसकी, वो उन्होंने यही बोला है। देखिए, मैं फिर आपको बोलता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने चीज़ क्लियर कर दी भी ज़मीन है, डिले इसलिए है कि एक बारी जो कागजों की, जो कागजात की जो जांच है, या जो भी उनका वो टाइम लग रहा है वो देगा, ज़मीन आनी है हमारे पास ही, हमारी ज़मीन। बहुत बहुत अलग, धन्यवाद। तो भाई, यो मामला इतना ही था, और बाकी वीडियो जो आप देखोगे पूरी बड़ी, वो वेट करें, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद भारत माता की। चल।